हेलो फ्रेंड्स दिस इज नेहा हेयर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी एच यू पैथ सेला डेलीसो कंटिन्यू करते हुए ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोकसभा एग्जैक्टली पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकसभा यू नो पॉलिटी में आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ओके फिर आपका विधानसभा एंड मुख्यमंत्री ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट होते हैं राइट लोकसभा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान दीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैंने लिए हैं वन लाइनर के थ्रू जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं तो वेल आपको अगर मैं बता दूं तो देखिए लोकसभा अगर आप पढ़ रहे हो तो लोकसभा में ध्यान रखना इंग्लिश में से कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा हिंदी में और लोकसभा के कई नाम हैं जैसे कि आप निम्न सदन इसको बोलते हैं इसको हम अस्थायी सदन भी बोलते हैं वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो उसको हम स्थायी सदन बोलते हैं लोकसभा को अस्थायी सदन जनता का सदन ठीक है लोकप्रिय सदन ये सब लोकसभा को बोला जाता है ध्यान देना तुम ठीक है आई मीन आप लोग जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं लोकसभा कहते हैं संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है यह आपका 552 है अब 552 में देखिए कि आपका ये सीट जो है आपका ये डिसाइड किया गया है कि 552 है इसमें क्या होता है कि आपके जो 550 है ये 550 मेंबर्स आपके जो स्टेट से आते हैं और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों जगह से आते हैं और आपके दो जो मेंबर्स होते हैं ये ये आपके एंग्लो इंडियन होते हैं कहने का मतलब ये है कि ये जनता द्वारा चुन करके नहीं आते हैं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा ठीक है इसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं दो और जो पाँच है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं जनता द्वारा चुन करके जिसमें से कि अगर आपको मैं बता दूँ तो आपके फाइव 530, 530 स्टेट से आते हैं और बचे आपके 20 ये 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं राइट ध्यान देना है पाँच सौ बावन में कैसे कैसे आपके आए जाते हैं टोटल वेल well, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं तो अगर प्रेजेंट में बात करूँ तो टोटल आपके फाइव फोर्टी फाइव है ठीक है फाइव फोर्टी फाइव टोटल आपके हैं वर्तमान में ठीक है ना ध्यान रखना है राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के कि कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है मैंने अभी बताया एंग्लो इंडियन दो आपके आते हैं लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं अब देखिए किस स्टेट से किस स्टेट में कितनी सीटें रहेंगी मतलब किस स्टेट से कितने चुन करके आएंगे ये किस अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ये उन स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है ठीक है जैसे कि यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस तो वेल वहाँ पर वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा में मेंबर्स आएंगे आई मीन वहाँ पर सीटें ज़्यादा रखी जाएंगी ठीक है तो ये ध्यान रखना है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर है तो ये आपको मैंने बताया कि पॉपुलेशन अब पॉपुलेशन हम कैसे देखेंगे तो सेंसस के अकॉर्डिंग अब कौन सा सेंसस तो 1971 की सेंसस 1971 की सेंसस यूज किया जाता है ठीक है लोकसभा की सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि किस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है और किस स्टेट में पॉपुलेशन कम है कौन से लोकसभा के चुनाव चार चरणों में हुए तो देखिए लोकसभा का कौन सा ऐसा चुनाव रहा जो कि फोर चरण में हुआ तो ये आपका फोर्टीनथ जो आपका लोकसभा चुनाव रहा ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए वेल well, मैंने आपको बताया है कि आपका जो है इसमें मेंबर बनने के लिए क्या क्या आपकी लिमिटेशंस होनी चाहिए तो देखिए भाई आपका जो है ट्वेंटी फाइव ईयर आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम एज की बात की जा रही है ठीक है और अगर हम और भी योग्यता की बात करें तो आप ये किसी भी चीज़ में बोला जाता है कि मैंटली आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होने चाहिए हाँ आप इंडियन होने चाहिए ठीक है और हाँ आप किसी पोस्ट पर नहीं हो किसी पोस्ट पर आप नहीं हैं ठीक है ना ये ध्यान रखना है मिनिमम एज ट्वेंटी फाइव ईयर कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है तो वेल आपको मैंने बताया जिसका आ, मतलब जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं सो तो वेल यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट्स यहाँ पर ज़्यादा होंगी और यहाँ से जो है आपकी अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजे जाएंगे उत्तर प्रदेश आंसर उत्तर प्रदेश की बात सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है तो आपके महाराष्ट्र में है इस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो भाई जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी तो आपके नागालैंड सिक्किम और मिजोरम ये तीन आपके राज्य हैं जहाँ पे बहुत ही कम है बिकॉज़ यहाँ के पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई तो ये आपका 1976 से लागू किया गया कि जो रिटायर हैं उन्हें भी पेंशन दिया जाएगा लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं ईयर में दो बार जो आपका जरूरी होता है ठीक है ना ध्यान देना है कि साल में दो बार आपका ये कराना जरूरी होता है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है तो देखिए लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ध्यान देना बेटा स्किप कर जाते हैं लेकिन क्या होता है कि जब एग्जाम में स्किप करते हो ना तो मार्क्स कटते हैं और वेल अच्छा करना है वित्तीय बिल ये आपको पता है वित्तीय बिल आपका कहाँ पास हो सकता है लोकसभा में ही पास होता है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है बजट किसकी द्वारा पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है ध्यान देना है आपको कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा सदस्य की सदस्य समाप्त हो जाती है अगर आप दो महीने से कंटिन्यू एबसेंट हो रहे हैं तो लोकसभा की सदस्यता आपसे खत्म हो जाएगी आई मीन आप नहीं रहेंगे मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ध्यान दीजिए किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है देखिए आपातकाल होने पर एक बार में एक वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है ठीक है आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है एक वर्ष के लिए हमने बताया किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके दो बार बढ़ाया गया 1976 में ठीक है दो बार बढ़ाया गया कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं ठीक है जो आपकी लोकसभा के अध्यक्ष और हाँ यहाँ पे ध्यान रखना जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका भी सदनों की जो है सदस्य के द्वारा ही चयन होता है अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल्स की बात कर लूँ या पॉलिटी की बात करें आर्टिकल्स तो यह ध्यान ही नहीं दिया हमने देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के इन लोगों के जो आपके पावर्स होते हैं इनका पावर्स आर्टिकल नाइन्टी थ्री टू नाइन्टी सेवन इनके बीच में मेंशन है ठीक है आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल नाइन्टी थ्री टू आर्टिकल नाइन्टी सेवन के बीच में जो आपका लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनके पावर के बारे में बात की गई है आई I मीन mean, मैंसन है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है आप हमें बताएंगे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है निर्णायक मंत्र मत देने का अधिकार किसको है लोकसभा अध्यक्ष को भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे डायरेक्ट बेटा भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है लोकसभा स्पीकर लोकसभा का जनक किससे माना जाता है जीवी माओलंकर जी को माना जाता है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे अनंत सैनम अपंगर जी, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा बलराम जाखड़ जी का लोकसभा अध्यक्ष जब ये बने तो इनका जो कार्यकाल रहा वो लंबा रहा आई मिन लंबे समय तक ये अध्यक्ष बने रहे ठीक है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की, की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा का जो भी वरिष्ठतम सदस्य होगा वो करेगा ठीक है राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है लोकसभा महासचिव भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश की हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्ष की तरह होते हैं इंग्लैंड में सेम एज इंग्लैंड में होते हैं भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है मीरा कुमार जी ध्यान रखेंगे मीरा कुमार जी जो है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं सो so, वेल well, ये थे आपके लोकसभा रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट वन लाइनर वेल well, सभी इंपॉर्टेंट थे और आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ध्यान रखना है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए बिकॉज अभी काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं अपडेट्स मिस नहीं होने चाहिए लास्ट टाइम हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल नहीं करनी है ओके आ, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ ओके और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो पावर्स हैं वो किस आर्टिकल में मेंशन होते हैं आप मुझे ये बताएँगे और आप मुझे ये बताइए देखिए जो आपका सेलेक्ट किया जाता है एंग्लो इंडियन तो वो एंग्लो इंडियन सेलेक्ट किया जा रहा है तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है राइट दो एंग्लो इंडियन का सेलेक्ट किया जाना किस आर्टिकल में मेंशन है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए वेल पावर का तो मैंने आपको बताई दिया ओके